भारत। इस देश के कोने कोने में छिपी है प्राचीन इतिहास। इतिहास के इस दौर को स्टोनहेंज महापाषाण युग कहा जाता है। प्राचीन मानव के जीवन के विकास ज्यादातर जानकारियां गुफाओं व पत्थरों पर लिखी इबारतों से मिलती रही हैं। वे बताती रही हैं कि किस दौर में लोग क्या सोचते रहे और कैसा जीवन जीते रहे। विज्ञान ने इस इबारतों का कालखंड तय करने में मदद की है। लाखों सालों पहले से ये चिन्ह हमारे पूर्वजों के बारे में बताते हैं। मध्य भारत के जंगल जहां दफन है सदियों पुराने राज, और एक दिन मिला सदियों पुराना खजाना जो शायद भारत की सबसे पुरानी बस्ती भी थी। लाखों प्राणी एक विलुप्त दुनिया की झलक जिसे हम आज भीमबेटका के नाम से जानते हैं। इस गुफा की खोज सन 1957 से 1958 में डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकनकर द्वारा किया गया था। यह मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दक्षिण में है। यह प्राचीन बस्ती करीब 10 किलोमीटर में फैली है। यहाँ पर मौजूद 700 गुफाएं हैं, ये कभी प्राचीन भारतीयों का घर हुआ करती थी। हमारे पूर्व इन गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे, क्योंकि जब खेती की शुरुआत भी नहीं हुई थी उस समय मामूली औजार हुआ करते थे, पत्थर के या फिर हड्डियों के हुआ करती थी। अब से लगभग 30,000 साल पहले ये चित्र भी बनाए गए थे। वो जानवर की चर्बी और खून से वो रंग बनाते हैं। सवाल ये है कि वो उन चीज़ों का चित्र बनाते जिनको उन्होंने देखा था। भीमबेटका के चित्र भारत के अतीत से जुड़े हैं। गौर करने की बात यह है कि यह वक्त मोहनजोदारो और हड़प्पा के वक्त से 7,000 साल पहले पुराना है। इस पेंटिंग में वो सब हैं जो हम सब रोजमर्रा के काम करते हैं। हम इन दीवारों पर देख सकते हैं शिकार करते हुए, संगीत, नृत्य आदि। यह भीमबेटका की पेंटिंग को 10,000 साल पहले का बताते हैं। यहाँ 600 शैलाक्ष है जिसमें 275 शैलाक्ष चित्रों द्वारा सजी हैं। पूर्व पाषाण काल में मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यह भीमबेटका एक बहुमूल्य धरोहर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। हम यहाँ देखें तो शैल चित्रों में हमें अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण पैलनुमा निशान 1,00,000 वर्ष पुराने बताते हैं। यह शैल चित्र हजारों वर्ष पहले की जीवन दर्शाते हैं। इन पर पाए गए सभी शैल चित्र में हमें बाघ, जंगली सुअर, हाथियों जैसे जानवरों को भी देख सकते हैं। हम यहाँ की दीवारों पर धार्मिक संकेतों को भी देख सकते हैं। क्या इन्हें हमारे पूर्वजों ने बनवाया था या फिर किसी और ग्रह के जीवों ने? क्या हमारे इतिहास के पहले का रहस्य हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा? अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में कुछ ऐसे ही रोमांच सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।